ये है मेरा कोरिया का पहला रियल कोरियन फूड। गाइस यहाँ पे देखो कितना मस्त मिरर है, पर एक नहीं है, ये देखो कितने सारे हैं। यहाँ पर माना जाता है कि अगर आप यहाँ पे अपना और अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम लिखोगे ना तो आप कभी भी जुदा नहीं होंगे। पहले क्यों नहीं बताया आपने? क्यों, आपको किसी का लिखना था? Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. तो guys, आज का vlog start कर रहा हूँ सीधा साउथ कोरिया से। मेरा ड्रीम था यहाँ पे आना और फाइनली मैं आ चुका हूँ। और मेरा आने का मेन रीज़न पता है क्या था? मैंने ना कोरियन शोज देखे थे अमेजोन मिनी टीवी पे फ्री, वो भी हिंदी में, जैसे कि चेयर अप, डॉक्टर डिटेक्टिव। तो मुझे इतने अच्छे लगे। उसके बाद मैंने जितने भी शोज आए ना अमेजोन मिनी टीवी पे मैं सारे देख डाले। उसके बाद तो गाइज मैंने सारे शोज देख डाले कोरियन हिंदी में अमेजोन मिनी टीवी पे इंपोर्टेड के। पहले मैंने चेयर अप देखा था, फिर वेट लिफ्टिंग फेरी, सी वॉज प्रीटी, टेम्पटेड, माई फर्स्ट लव, हर सर्जन पहले देखा था मैंने, 20th सेंचुरी बॉय एंड गर्ल, डॉक्टर डिटेक्टिव, योर हॉनर। और देखने के बाद मैं पहुंच गया जहाँ पे सारे शूट हुए, जहाँ के शो हैं, साउथ कोरिया। तो शो सारे देख लिए, मुझे पसंद आए, मेरे को चीज़ें एक्सपीरियंस करनी थी, मैं आ गया साउथ कोरिया। और यहाँ पे एक्सपीरियंस कराएगी हमको पुइन कोरिया, जो कि यहीं पे रहती है, उनको यहाँ के बारे में पता है। तो फिलहाल मैं उनका वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे रूम में, फिर उसके बाद वो प्लान करेंगे हम, फिर जाएंगे मस्त सारी कोरियन चीज़ें एक्सपीरियंस करने के जो हमने शो में देखी थी। तो गाइस अगर आपको भी देखना है तो आपको सिंपली अमेजोन शॉपिंग ऐप को ओपन करना है, यहाँ पे आपको मिनी ट्यूब पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इम्पोर्टेड, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे कोरियन शोज, वो भी हिंदी में फ्री। तो यहाँ से आप देख सकते हो सारे सारे बहुत मस्त हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस फाइनली पुइन कोरिया भी आ चुकी है, तो हम सौरभ को प्रॉपर जो कोरियन लाइफस्टाइल होती है ना वो एक्सपीरियंस कराएंगे, जैसे कि कोरियन फैशन, कोरियन खाना और कोरियन स्किन केयर, सब कुछ जो कोरिया के बारे में होता है ना, तो वो हम सौरभ से करवाएंगे। तो भी गाइस होटल से बाहर आ गए हैं, लेकिन भाई यहाँ तो ठंड हो रही है, तो मैं जैकेट लेके आता हूँ। हाँ, मैंने तो स्वेटर पहन रखा है। आप तो स्वेटर डालिए, चलो गाइस। मौसम ठंडा है यहाँ पे, तो मस्त गर्मी लगेगी घूमने में, नहीं तो यूजुअली धूप में घूमा नहीं आता ना। तो गाइस सबसे पहले हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बिकॉज भूख लग रही है, तो हम जाएंगे कोरियन खाना खाने के लिए, प्रॉपर जो कोरियन ड्रामा में दिखाते हैं ना वो वाला। और देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना प्यारा लाइव म्यूजिक चल रहा है, देखो कॉपीराइट भी नहीं आएगा। तो कैसा लग रहा है, कैसी फील आ रही है यहाँ पे? एकदम क्यूट क्यूट वाली फील आ रही है सब जगह ना। हाँ, सो हैप्पी कि आपको पसंद आ रहा है। तो अभी हमको जाना है द ह्यूंडई, मतलब ह्यूंडई आपको बताओ गाड़ियाँ होती है, और ये यहीं का ब्रांड है जो ह्यूंडई है ना। तो ये मॉल है यहाँ पे, ये मतलब यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं मिलती, ये मॉल है, तो हम यहीं पे जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। कोरियन थाली, ये वाली कोरियन थाली। हाँ। गाइस यहाँ पे देखो कैसे खा रहे हैं, जिसको जो भी खाना है यहाँ से उठा लो। हर प्लेट का अलग कलर होता है, उसका अलग प्राइस होता है, जैसे कि गोल्ड प्लेट है उसका ज्यादा महंगा होता है। तुम कुछ भी उठा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, और फिर बाद में प्लेट खत्म हो के उनको दे दो और वो काउंट करेंगे कौन से कलर आपने खरीदा है। हमारा खाना है 51,000 खाना है हमारा। खाना ऑर्डर करने के बाद हमको ये मिला है, जब खाना जाएगा तो ये वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो गाइस फाइनली हमारा खाना आ चुका है, और गाइस ये है मेरा खाना, ये पूरा वेज है, देखो इसमें सैलेड है और पता नहीं ये क्या है, साइड डिशेस, ये किमची, ये मशरूम, और ये कुछ पत्ते वगैरह और ये क्या है, ये रेड पेपर, और साथ में राइस। ये है मेरा कोरिया का पहला रियल कोरियन फूड। गाइस में चावल मिक्स करने हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अरे ये तो हम इंडिया में बना सकते हैं ना। हाँ। अरे हरी सब्जी भी है इसमें तो। यार ये तो मस्त लग रहा है यार, स्पाइसी। सीरियसली गाइस ये तो बहुत अच्छा है, बहुत मस्त हो रहा है। गाइज ये पता है क्या है, ये है चिड़िया के अंडे, छोटी चिड़िया के अंडे, जो कि पूनम नहीं खाती। हम नहीं खाते, नहीं ऐसी चीज़ें नहीं, ये नहीं खाती, मतलब तो इसको साइड में रखूं। तो गाइज मस्त खाना हो चुका है, बहुत टेस्टी था, अब चलते हैं। और अब हम जा रहे हैं कोरियन पैलेस, वहाँ पे हम कपड़े डालेंगे कोरियन कपड़े, तो मैं एक्सपीरियंस करूँगा फर्स्ट टाइम कोरियन कपड़े कोरिया में आके। हाँ, कोरियन ट्रेडिशनल कपड़े। और हाँ हम जा रहे हैं मेट्रो से। तो भी गाइज मैं देख रहा हूँ अमेजोन मिनी टीवी पे शी वाज प्रीटी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस खत्म होने वाला है, 2-3 एपिसोड रह गए, तो फिर रात को कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर चलते देख रहा हूँ मैं। गाइस सामने देखो कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, मतलब नीचे से ऊपर तक पूरी बुक्स पड़ी हुई है यहाँ पे, और इतने सारे लोग हैं, यहाँ भी लाइब्रेरी, इधर भी बुक्स। और ये मैंने शो में देखी थी, बहुत सारे कोरियन शो में है ये, देखो पूरी बुक्स ही बुक्स पड़ी, मतलब यहाँ की बहुत फेमस लाइब्रेरी है ये देखो ऊपर तक बुक्स ही बुक्स, पता नहीं ऊपर तक कैसे जाते होंगे लोग, ऊपर जाके देखते हैं। अब चलते बुक्स उठा सकते हैं हम यहाँ से। भाई मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतनी सारी किताबें एक साथ, देखो। बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है सब यहाँ फोटो वीडियो खींचने के लिए आ रहे हैं। अब झूठ क्या बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सभी मतलब 99% लोग यहाँ फोटो वीडियो के लिए। तो गाइज आप गैस करो ये लाइब्रेरी कौन से के ड्रामा में है, अमेजोन मिनी टीवी पे हिंदी में। ब्लू पट्टी क्यों है यहाँ पे ऐसे चलने के लिए? हाँ, यहाँ पर है ना इसका अलग है, थोड़ा रबड़ी है, तो अगर आप यहाँ पर चलोगे ना तो फिसलेंगे, नीज के लिए से रहता है, जॉइंट के लिए।
आपको पता है कोरिया में इतने सारे स्क्रीन्स क्यों हैं? स्क्रीन्स क्यों हैं? क्योंकि कोरिया में जो बिजली का बिल आता है ना वो सबसे लोवेस्ट होता है दुनिया में से, इतना महंगा नहीं होता, इसलिए ऐसे चलते रहता है। मेट्रो के टिकट ले रहे हैं हम सही तो बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ क्या? प्रोनाउंसिएशन बेस्ट है आपकी, सही है ना? मेरी बच्ची नहीं है। मेरे पास लंदन का पड़ा है, इंडिया का पड़ा है, कोरिया का भी हो गया। आप तो हमारी मेट्रो आएगी यहाँ पे, ये गेट खुलेगा तब अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक सीट आप है। नहीं बैठो, आप बैठो। खमजा मिदा गाइस यहाँ पे देखो कितना मस्त मिरर है, पर एक नहीं है ये देखो, कितने सारे हैं, बहुत ही सारे भाई। लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो रहा, निखिल मुंबई का। हाँ मुंबई का निखिल का, निखिल मुंबई का नहीं, मुंबई का निखिल, मुंबई का निखिल वैसे करते हैं ना, दब नहीं रहा। चलो भाई मेट्रो से बाहर आ गए रोड पे, तो पू डालेगी ऐसे कपड़े और मैं डालूंगा ऐसे, मतलब बॉयज के ये होते हैं, गर्ल्स के ये होते हैं, ये कोरियन कपड़े होते हैं, मेरे को इनमें ही चूज करने हैं। तो ब्लू वाला सही है, आपके ऊपर मैच भी करेगा, ये रेड वाला राजा का होता है। तो वहाँ पे चेंजिंग रूम, सही प्रॉपर राजा, दोनों रेडी हो गए हैं तो कुछ ऐसे लग रहे हैं, देखो अच्छा लग रहा है, ये ऐसे ही होता है खुला खुला। गाइस अब देखो, अब तो और खतरनाक लग रहा हूँ। तो गाइस कोरियन कपड़े डाल के हम निकल गए हैं, और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जो कोरियन पैलेस है ना, कोरियन पैलेस जा रहे हैं। हाँ ये देखो सबने डाल रखे हैं यहाँ पे जो भी आते हैं ना सारे डालते हैं कपड़े, देखो सारे। तो मेरे को भी एक्सपीरियंस करना था, बिकॉज मैंने कोरियन शो में देखा था, पूरी दुनिया में हर किसी का कल्चर, हर किसी का पास, सब कुछ अलग होता है, तो हम वही एक्सपीरियंस करने के लिए निकले थे। तो अब जा रहे हैं कोरियन पैलेस के अंदर। गाइस अब थोड़ी गर्मी लग रही है इन कपड़ों में, अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। अब कहाँ जाएंगे? अभी मैंने आपको ट्रेडिशनल कोरिया दिखा दिया, और नेक्स्ट लोकेशन होने वाली है मॉडर्न, जहाँ पर एक्चुअली स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं ना, जहाँ स्टूडेंट्स जाते हैं। हाँ तो भी चेंज कर लिया है, हमारी टैक्सी आ गई है। इस स्ट्रीट का नाम है म्योंगडोन। म्योंगडोन तो यहाँ पर आपको शॉपिंग भी कर सकते हो, तो यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं और यहाँ पर आपको मतलब लो बजट, मतलब लो बजट, हाँ सब कुछ लो बजट, सस्ती शॉपिंग। गाइस ये स्ट्रीट देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, कितना सुंदर लग रहा है। ये जो स्ट्रीट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट फूड मिलेंगे। अच्छा यहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट फूड, चलो देखते क्या क्या है। ये नॉन वेज होगा? हाँ, जैसे कि यहाँ पर एग ब्रेड चीज। गाइस देखने में तो बहुत क्यूट और मस्त लग रही है मार्केट, बट खाने के लिए यहाँ पे मेरे लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि सारा नॉन वेज है, जो खाते हैं उनके लिए बेस्ट है। सब खाने का मिल रहा है, राइट में भी लेफ्ट में भी, सारी अलग अलग तरह की चीजें हैं। ये जूस है, जूस पी सकते हैं, देखो जूस भी कैसे दिया इन्होंने, एकदम फ्रेश है। यहाँ कपड़े भी मिल रहे हैं। गाइज मेरे को यहाँ पे ये वाली हुडी पसंद आई है, देखो जूते वाली, तो सोच रहा हूँ ये ले लूँ। देखो वाटरफॉल भी है यहाँ पे, ये देखो क्या मस्त पानी आ रहा है बिल्डिंग से। शो के बारे में बात कर लेते हैं गाइज, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो आपने वो देखा कम एंड हग मी? नहीं देखा। और चेयर अप तो साथ में देखा था हमने, योर ऑनर भी देखा। सारे ना एकदम कॉलेज लाइफ के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, लव स्टोरी भी है, तो सारे इसी के ऊपर है, मतलब देखने में काफी मजा सा आता है। आप घर पे बैठे बैठे कोरिया एंजॉय कर सकते हो, वो भी हिंदी में, जो मेरा फेवरेट के ड्रामा है ना Amazon Mini TV पर, अभी करंटली वेट लिफ्टिंग फेरी किम्बुक जो है। मेरा भी? हाँ, आपका भी? तो अभी हमको इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया ताज। फाइनली हमारा इंडियन खाना आ गया है, पनीर मिक्स वेज दाल। खाने के बाद हमने मंगाई है चाय। तो भी गाइस मस्त खाना पीना खा के बाहर आ गए और रात हो गई है। अब देखो कितना मस्त लग रहा रात को, ये स्ट्रीट पूरी लाइट सी लाइट सब जगह। तो भी गाइस मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से कैश, अभी तो एक ही नोट आया है, तो एक ही नोट आया है 50,000 का। सौरभ हम यहाँ पे ना, जैसे कि आप ये बैग देख रहे हो और ये की चेन देख रहे हो ना, हम यहाँ से चूज करके अपना खुद का डिजाइन बना सकते हैं। आई हैव एन आइडिया, क्यों ना हम यहाँ पर जो Amazon के जो ड्रामा है ना उनका कुछ बनाए, लाइक Amazon Mini TV लिख सकता हूँ। मेरे को तो ब्लैक कलर का पसंद आ रहा है, इसमें लिखवाता हूँ मैं शी वॉज पी। तो गाइज हमारा रेडी है सी वॉज प्रिटी एंड मिनी टीवी, दोनों रेडी है। तो गाइज हमारा आई लव यू मिनी टीवी तो रेडी हो गया है, अब रेडी करना है सी वॉज प्रिटी। इसमें हमने लिखवाया सीरीज का नाम सी वॉज प्रिटी। बाय द वे हमारा आई लव मिनी टीवी रेडी हो गया, देखो कितना मस्त लग रहा है, हमने इसमें इम्पोर्टेड भी लिख दिया है। गाइज ये बनवाने के हमारे पता कितने पैसे लगे यहाँ पे?
67,000 अभी 50,000 रुपए निकाले थे मिनी टीवी के लिए तो इतना कर सकते इतना तो चलता मिनी टीवी के लिए तो चल तो हमारी टैक्सी आ चुकी है भैया ने सेफ्टी के लिए शील्ड लगा रखी कहीं कोई कहीं मुक्के मुक्के ना मार देना कई लोग कई बच्चे छेड़ते हैं ना ऐसे पीछे से हाथ लगाते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं कहाँ जा रहे हैं नामसंग टावर जा रहे हैं नामसंग टावर चलो भाई पहुंच गए कहाँ ले जा रहे हैं लग रहा है ना ऐसे क्रिसमस की याद दिला रहे हैं मतलब क्रिसमस आने वाला है मुझे दिवाली टाइप दिवाली वीडियो ऐसे करते हैं ना लाइट लगाते हैं तो अब चलते हैं सोल टावर पे वहाँ पे जाने के लिए ना उड़न खटोला लेना पड़ता है तो उड़न खटोला की वहाँ पे टिकट हमने ले लिया उड़न खटोला तो गाइस फाइनली पहुंच गए ऊपर और ये सोल टावर और गाइस यहाँ पे देखो कितने सारे ताले हैं भाई लोगों ने बांध रखे हैं क्यों बांध रखे हैं यहाँ पर माना जाता है कि अगर आप यहाँ पे अपना और अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम लिखोगे ना तो आप कभी भी जुदा नहीं होंगे तो पहले क्यों नहीं बताया आपने क्यों आपको किसी का लिखना था कितने सारे ताले लगे हुए हैं कितने सारे दिल जुड़े होंगे और सारे ताले दिल की शेप के हैं देखो ये देखो भाई मेरे राइट में भी ताले लेफ्ट में भी ताले मतलब पूरे रास्ते में ताले ही ताले हैं भाई साहब ये देखो इधर भी पूरा ही भरा हुआ है भाई ये तो गाइज अब देखो यहाँ से दिख रहा है पूरे सोल का व्यू कितना मस्त लग रहा है भाई भाई साहब ये देखो पूरी सिटी दिख रही है लाइट सी लाइट दूर दूर तक पूरा सोल दिख रहा है उधर पहाड़ है आज हम इधर ही घूम रहे थे दिन में सभी यहाँ पे कपल से आ रखे हैं ताले बांधने के लिए व्लॉग कम कर रहा हूँ ताले बांधने के लिए वीडियो में जस्टिस नहीं कर सकता इतना सुंदर लग रहा है इतना सुंदर भाई यहाँ पे लोगों ने देखो दीवार के हाल कर रखे भाई लिख लिख के पूरी दीवार भर रखी है भाई पूरी मैं तो वॉशरूम आया था मैंने देखा भाई ये क्या सीन है पूरी दीवार भरी हुई है लोगों ने अपने राइट में देखो दीवार पे पूरी दीवार भरी हुई है पूरी देखो उधर भी सब जगह सब जगह तो अब जा रहे हैं वापस नीचे उड़न खटोले से अब चलते हैं टैक्सी लेके होटल भाई टैक्सी वाले तो 60,000 मांग रहे हैं 60,000 होटल जाने के रात को तो हमने मंगाई दूसरी कैब सस्ती वाली थोड़ी गाइज आज मेरा फर्स्ट डे था साउथ कोरिया में इतना अच्छा गया ना तो थैंक यू आपकी वजह से इतना घुमाया आपने अरे नहीं नहीं जब मैं भी इंडिया आती हूँ तो हमेशा सौरभ पिकअप करने आता है खाना वगैरह सब कुछ यू नो यू हेल्प मी अ लॉट हमारी सस्ती वाली कैब आ गई है इसमें चलेंगे चलो भाई फाइनली फाइनली होटल पहुंच गए और पता कितने पहुंचे हैं सिर्फ 20,000 में हमारे 40,000 बच गए अच्छा वो हमने 60,000 वाली नहीं ली तो फाइनली रात के 11:30 बजे में पहुंच चुका हूँ रूम पे अब एडिटिंग वगैरह करूंगा मस्त बैठ के तो भी गाइस रात के 2:30 बज चुके हैं एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और मैं देख रहा हूँ शी वाज प्रीटी बस 2-3 एपिसोड रह गए इसके तो ये कंप्लीट कर लेते हैं गाइस यहाँ पे तो 2:30 बज गए लेकिन इंडिया में भी 11 बजे हैं तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही बिकॉज मैं लेटेस्ट होता हूँ ना तो अभी जेट लैग हो रहा है मतलब मेरे बॉडी को लग रहा है कि अभी 11 ही बज रहे हैं तो हाँ इसलिए मैं शो देख रहा हूँ अपना मस्त कंप्लीट करते हैं फिर सोऊंगा आराम से 1-2 बजे तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ आई होप आपको पसंद आया होगा आप भी जरूर जाके देखना अमेज़न मिनी टीवी पे इंपोर्टेड बिल्कुल फ्री है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय उड़न खटोला मतलब उड़न उड़ता है खटोला खटोला